ये जो महर्षि स्वामी देवदयानंद जी ने पितृयज्ञ का विधान किया है वो यही तो है कि जीते जी माता पिता की सेवा में सब कुछ अर्पण कर देने का नाम ही पितृयज्ञ है, वही जो है श्राद्ध और तर्पण है। कई लोगों ने श्राद्ध और तर्पण का जो अर्थ है वो अन्य मृतकों से जोड़ रखा हुआ। कई बार हम परिवार में भोजन करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं जी माता जी बहुत अच्छा भोजन बनाया, आपने तो हमारा श्राद्ध और तर्पण किया है। तो माता जी कहती है शुभ शुभ बोलो, श्राद्ध और तर्पण बनने के बाद में होता है। पर महर्षि दयानंद जी ने आकर के समझाया कि जीवित माता पिता का ही श्राद्ध और तर्पण होता है। उस ऋषि के कितने उपकार हमारे ऊपर है, मेरे पास में शब्द नहीं है उन उपकारों का वर्णन करने के लिए। बस ये चंद पंक्ति कहकर के बस पीछे हटता हूं। भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक, भूलेंगे एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक, मरते तक नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक, भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। तूने सब्र को जीना सिखाया, मरते मरते बचाया, सूख गई हमारे परिवार स्वर्ग बन जाएंगे, हमारे परिवार जो है संगठित हो जाएंगे। अपने आर्य जी 100 रुपए लेकर के सम्मानित कर रहे हैं और अपने चौधरी हरि सिंह जी के पुत्र भी मुझे 200 रुपए लेकर के सम्मानित कर रहे हैं।
उनका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। जो समय मेरे लिए निर्धारित था वो दूर चला है, तो मैं आपका बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अमीलाल जी भी जो है सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। वाणी को विराम इत्यो सब। बहुत ही सुंदर चर्चा भाई मोहित जी ने दी है, वर्णों के माध्यम से मार्मिक हृदयग्राही पित्री अच्छी माता पिता के बारे में, भाइयों के बारे में सुंदर चर्चा की। बहुत बहुत आभार है मोहित जी। जैसे जैसे और बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे और दिया ज्ञान राशि अच्छे सपनों से आप हमारे बीच में रख रहे हैं।